बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा की 7 सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ। मतदान केंद्रों के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस बीच निर्वाचन आयोग के मुताबिक ओवरऑल 53.62% मतदान हुआ है। यूपी में नौगावा सादात 61.50%, बुलंदशहर में 52.10%, टुंडला में 54%, बांगरमऊ 50.59%, घाटमपुर 49.42%, देवरिया 51.5% और जौनपुर जिले के मलहनी सीट पर 56.65% मतदान होने की सूचना है। टुंडला विधानसभा में बूथ संख्या 30 पर ग्रामीणों ने उपचुनाव का बहिष्कार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। उनका कहना है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। उन्नाव के बांगरमऊ विधानसभा क्षेत्र में फतेहपुर 84 के बूचागाड़ा मतदान केंद्र में आज कुछ गांव के लोगों ने सड़क न बनने के विरोध में मतदान न करने का फैसला किया। यहां पर PWD से बनने वाली सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीण नाराज हैं, जिसके कारण जल भराव होता है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक सड़क नहीं तब तक मतदान नहीं। इसकी जानकारी मिलते ही DM के साथ ही अन्य अधिकारी मौके पर पहुंच गए। SO जितेंद्र सिंह के साथ CDO डॉक्टर राजेश प्रजापति गांव पहुंचे। जौनपुर में मलहनी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी बाहुबली धनंजय सिंह ने गांव के पास बने मतदान केंद्र में अपनी पत्नी श्रीकला सिंह के साथ मतदान किया। जौनपुर से सांसद रहे धनंजय सिंह मलहनी विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं। बीते विधानसभा चुनाव 2017 में वह निषाद पार्टी के प्रत्याशी थे। अमरोहा के नौगावा सादात क्षेत्र के उपचुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम मशीन में आई खराबी की वजह से मतदान रुक गया। बताया जा रहा है कि करीब 20 मिनट यहां पर मशीन बंद रही। इसके बाद करीब 8:30 बजे गांव में भिकनपुर शुमाली में बूथ नंबर 308 में मशीन रुक गई, जिसके कारण मतदान रुक गया। 9:10 पर जोन मजिस्ट्रेट द्वारा मौके पर पहुंचकर दूसरी ईवीएम मशीन लगाकर मतदान शुरू कराया गया। जौनपुर के मलहनी विधानसभा क्षेत्र के करंचा कला ब्लॉक के अभय चंद पट्टी प्राथमिक विद्यालय के एक बूथ पर ईवीएम की बैटरी की गड़बड़ी के चलते मतदान आधे घंटे विलंब से यानी कि 7:32 पर शुरू हो सका। जौनपुर के मलहनी विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए सुबह 6 बजे से ही बूथों पर हलचल हो गई। कानपुर के घाटमपुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में मतदान को लेकर लोगों में काफी रुझान है। सुबह से ही लोग बूथ पर पहुंच गए। इसी बीच 2 बूथ पर ईवीएम मशीन में खराबी की सूचना पर उनको बदला गया है। यहां के पतारा तथा शास्त्री नगर पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन में खराबी आ गई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। हर बूथ पर अधिकतम 1000 वोटर ही मतदान कर सकेंगे। इस वजह से हर मतदान केंद्र पर सहायक पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं। 7 विधानसभा सीटों पर कुल 24,27,922 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 13,684 पुरुष और 11,27,108 महिला मतदाता हैं। साथ ही 130 थर्ड जेंडर हैं। 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। पहली बार उपचुनाव में बसपा के अकेले उतरने से मुकाबला रोचक हो गया है। इस चुनाव में 88 उम्मीदवार मैदान में हैं। सर्वाधिक 18 उम्मीदवार बुलंदशहर सीट पर हैं। सबसे कम 6 उम्मीदवार घाटमपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी में जिन 7 सीटों पर मतदान होना है उसमें 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर सपा विधायक के आकस्मिक निधन के बाद उनकी पत्नियां या पुत्र चुनावी मैदान में हैं। इन 7 सीटों में से 2017 में 6 भाजपा के खाते में गई थी, जबकि 1 सपा के खाते में थी। इन सीटों पर सबसे प्रमुख जौनपुर की मलहनी सीट, जिस पर बाहुबली धनंजय सिंह सपा और भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, जबकि उन्नाव की बांगरमऊ सीट भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर बलात्कार का आरोप सिद्ध होने पर खाली हुई है। इस सीट पर भी भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.